हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। सो इन दिस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 8 का हमारा साइंस है और हमारा चैप्टर 5 है और हमारा चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसके पहले भी मैंने बहुत सारे NCERT चैप्टर्स मैंने करवा रखे हैं क्लास 6, 7, 8। सो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ेंगे एकदम पूरा डिटेल में, पूरे अच्छे से। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग कोयल तो देखे ही होंगे, ब्लैक कलर का होता है, और पेट्रोल तो सबको ही देखा होगा, राइट। तो यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम लोग बहुत सारे यू नो मटेरियल्स यूज़ करते हैं हमारे बेसिक नीड्स के लिए, राइट। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर। अब जो हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब कुछ भी हमारा बेसिक नीड्स हो गया तो कुछ तो हमें नेचर में मिल जाता है, राइट। और सम हैव बीन मेड बाई ह्यूमन एफर्ट्स, और कुछ ह्यूमन के द्वारा ही बनाया गया रहता है, वो हम लोग यूज़ करते हैं एज आवर बेसिक नीड्स। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्टिविटी है, राइट, जिसमें हमें हमारे डेली लाइफ में जो भी नेचुरल और मैनमेड है तो उसे हम लोग लिस्ट आउट करना है, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेना। यहाँ पे हम लोग नेचुरल लिखेंगे, राइट, और यहाँ पे मैनमेड हम लोग फिल करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे, दस दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉयल एंड मिनरल्स। क्या इस लिस्ट में एयर, वाटर, सॉयल एंड मिनरल्स है, सिंस ऑल दिस आर ऑफ्टन फ्रॉम नेचर। अब हमें ये पता है कि जो एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉयल हो गया और जो मिनरल्स हो गया, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब वैसा रिसर्च, ठीक है, जो हमें नेचर से मिलता है लाइक एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसर्च। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, कैन वी यूज़ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। क्या हम लोग जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको फॉर एवर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये एक सवाल आता है, राइट। मतलब कि नेचर का जो दिया हुआ है, राइट, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया, तो क्या हम लोग ये फॉर एवर के लिए यूज़ कर सकते हैं, हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं, यस और नॉट। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉटेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। इज वाटर अ लिमिटलेस रिसर्च। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो एयर हो गया, वाटर हो गया और जो सॉइल हो गया, ठीक है, तो वो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, तो एग्जॉस्टेड हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है? क्योंकि भाई ह्यूमन के एक्टिविटीज़ यू नो कुछ कुछ ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे कि ये सब एक्सटेड हो सकता है, राइट। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। हम लोग ने वाटर के बारे में क्लास 7 में पढ़ा था कि जो वाटर है वो एक लिमिटलेस रिसोर्स है, मतलब अनलिमिटेड नहीं है, राइट, एक लिमिटेड मतलब लिमिटलेस रिसोर्स है। ओके, माना कि वो नेचर का है, ठीक है, बट लिमिटलेस है। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे, इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। अब यहाँ पे जो यू नो क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल रिसोर्सेज को मतलब दो काइंड्स में हम क्लासिफाई किए हैं। एक हो गया हमारा इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और हमारा दूसरा हो गया एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग किसको कहेंगे। ओके, दिस रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वान्टिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एक्सहॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। अब जो हमारा इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, तो इसको हम लोग यू नो ये हमारा नेचुरल मतलब नेचर में पाया जाता है अनलिमिटेड मात्रा में, राइट, और हम लोग इसको मतलब कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर ले, ये ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। मतलब हम लोग कोई भी एक्टिविटीज़ कर ले यू नो, तो ये ख़त्म नहीं होने वाला है, ये हमेशा के लिए रहेगा, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स में देख लिया, सनलाइट एंड एयर, हमारा जो सनलाइट है और जो एयर है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, ये अनलिमिटेड प्रेजेंटेड है, राइट। हम लोग कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर लें, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछे तो आप लोग एकदम फटाफट में आंसर देना, सनलाइट एंड एयर। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये वो है कि इसका कुछ कमी मतलब ये लिमिटेड अमाउंट में होगा, ठीक है, एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए आइए पढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। अब जो एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, तो ये जो अमाउंट है, ठीक है, हमारे नेचर में बहुत ही लिमिटेड है,
राइट ये एक लिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड नहीं है हमारा, ठीक है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ये एग्जॉस्टेड हो सकता है हम लोग अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ करेंगे, राइट कुछ भी कर लें लेकिन ये एग्जॉस्टेड होगा, राइट। एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्सेज, अब हम लोग एग्जाम्पल भी देखते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ETC एक्सेट्रा, राइट। अब जो हमारा कोल पेट्रोलियम है उसको ऐसा तो है नहीं कि आप लोग भाई कितना भी यूज़ कर लो वो अनलिमिटेड है, नहीं वो एक लिमिटेड अमाउंट में है, राइट वो लिमिटेड अकाउंट बोल रही हूँ अमाउंट में है, ठीक है। मतलब अगर आप लोग उसको ज़्यादा यूज़ करोगे ना तो वो एग्जॉस्टेबल हो जाएगा, राइट वो एग्जॉस्टेबल हो जाएगा बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो आई होप कि आप लोग को ये दोनों क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला हमारा है इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो कि एक अनलिमिटेड अमाउंट में है, चाहे आप लोग कुछ भी एक्टिविटीज़ कर लो ये हमेशा रहेगा, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा सनलाइट और एयर। नेक्स्ट है हमारा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की जो लिमिटेड अमाउंट में है, अगर आप लोग यू नो यूज़ करते गए तो एक ऐसा टाइम आएगा कि नहीं रहेगा भाई साहब, नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारा एक एक्टिविटी 5.2 दिया हुआ है तो वो आप लोग देख लेना, राइट। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एज्यूम दैट इटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल एबिलिटी ऑफ एन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। अब यहाँ पे दोस्तों ये बोल रहा है कि ऐसे आप एज्यूम करो, ठीक है, कि एक कंटेनर में, ठीक है, हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब टोटल हम लोग क्या कर रहे हैं अवेलेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैसेस। ईच ग्रुप मे हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न, आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रेडी, इट मे बी डैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स आर वेयर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लिफ्ट समथिंग फॉर डेम। अब यहाँ पे जो कि एग्जॉस्टेबल है, ठीक है, तो जो यू नो पहला जनरेशन जो यूज़ करेगा तो वो ऐसे यूज़ करेगा ना कि वो सोचेगा कि भाई मेरे बाद भी जनरेशन है, लाइक है ना, तो हमें उतना यू नो ग्रीडी नहीं होना चाहिए, राइट। अर्लियर बहुत ग्रीडी होते थे बट ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। जो आने वाले जनरेशन है उनके लिए भी तो कुछ लेफ्ट समथिंग करना चाहिए, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। दिस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉसिल्स, सो दिस आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूम्स। अब यहाँ पे दोस्तों ये बोल रहे हैं कि इन दिस चैप्टर हम लोग क्या लर्न करने वाले हैं, सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग लर्न करेंगे, जैसे कि हमारा लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस हो गया। दिस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स, और ये कहाँ से फॉर्म्ड होता है, ये यू नो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है, तो एक फॉसिल बन जाते हैं, तो यहां से ये लोग प्राप्त होते हैं, राइट। दिस आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, ओके, क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल, ओके। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोल, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, हमारा पार्ट टू लेक्चर में हम लोग ये कवर करने वाले हैं। बाकी आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।